हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS क्लर्क 2018 प्री एग्ज़ाम इस समय चल रहा है और 8 तारीख के कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और कुछ एग्ज़ाम 9 तारीख को, 15 तारीख को और 16 तारीख को होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स IBPS क्लर्क एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम में, प्री में, अभी तक स्टूडेंट्स का जो फीडबैक आया है वो ये है कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। RC पूछा जा रहा है, पैराजम्बल पूछा जा रहा है, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं और फिलर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ये एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं प्रैक्टिस सेट्स के फॉर्म में IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे इन वीडियो क्लासेस में, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस सेट वन है और इन क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट का एक क्वेश्चन है। कंसिडरिंग ही हैड प्लेड फुटबॉल फॉर ओनली 2 ईयर्स, ही डज इट वेल। फ्रेज रिप्लेसमेंट में आपको करना क्या होता है, देखिए इस पूरे सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक एक पर्टिकुलर पार्ट इसमें बोल्ड में दिया है और इस बोल्ड पार्ट को आपको करेक्ट पार्ट के साथ रिप्लेस करना है। यदि ये पार्ट पहले से ही करेक्ट है तो आपका इसमें जो आंसर होगा वो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है? अब देखिए, इस वाले पार्ट में देखिए, ही डज इट वेल, ही डज इट वेल, वह इसको अच्छे तरीके से करता है। इसका मतलब यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस की इसमें बात कर रहे हैं। क्योंकि इसमें प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हम इसमें हैड नहीं बोल सकते। इसमें हम बोलेंगे कंसिडरिंग ही हैज़ प्लेड। इस बात को मानते हुए, इस बात को कंसिडर करते हुए कि उसने फुटबॉल केवल 2 साल खेली है, उसके बावजूद भी वो इसको अच्छे तरीके से करता है। तो इसमें केवल सेकेंड जो पाथ है वो ही करेक्ट है। इसमें हैड हम नहीं लगा सकते, हैड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वर्ड ऑर्डर के हिसाब से इनकरेक्ट होगा। तो आपका जो फ्रेज़ है वो ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए और उसका जो वर्ड ऑर्डर है जिसको हम ग्रामर में सिंटेक्स बोलते हैं वो भी आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा बी, यानी ओनली सेकेंड इज़ करेक्ट, ठीक है? तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यू वुड फाइंड द हाईएस्ट माउंटेन ओनली सम माइल्स अवे फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन डेथ वैली। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके और क्या इसका सही आंसर हो सकता है। देखिए, वुड हम लगाते हैं जब हम किसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड कम इफ आई वॉज फ्री, यदि मैं फ्री होता तो वहां पर जरूर जाता। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हम एक सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं। वुड को हम यूज़ करते हैं इमेजिनेशन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर कैन और कुड हम बोल सकते हैं क्योंकि कैन और कुड के द्वारा हम पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। कुड के द्वारा वीक पॉसिबिलिटी को और कैन के द्वारा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को हम इंडिकेट करते हैं। यू कुड फाइंड द हाइएस्ट माउंटेन ओनली सम माइल्स अवे फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, और यू कैन फाइंड, यू कैन फाइंड और यू कुड फाइंड, तो दोनों ही इसमें आ सकते हैं, ठीक है? यानी इसमें फर्स्ट और थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा डी, वुड यहाँ पर फिट नहीं होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ही प्रोबेबली डिड नॉट रियलाइज दैट हिज हॉस्टिलिटी टुवर्ड सेनर मेडेना आर बीइंग ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर देखिए, हॉस्टिलिटी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर एक तो इज आएगा और चूंकि ये पास्ट की इसमें बात हो रही है, डिड नॉट इवन रियलाइज, ये पास्ट टेंस है इसमें, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस में इसको हम नहीं बोल सकते। वॉज हम लगा सकते हैं और हैड बीन ट्रांसफर्ड भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। एक्चुअली इसमें ऑप्शन में केवल ओनली सेकेंड इज करेक्ट। तो यहाँ पर सही आंसर बी होगा आपका। हालांकि इस सिचुएशन में आप हैड बीन भी बोल सकते हैं, टुवर्ड सेनर मेडेना हैड बीन ट्रांसफर्ड, ही प्रोबेबली डिड नॉट रियलाइज दैट हिज हॉस्टिलिटी टुवर्ड सेनर मेडेना, हैड बीन ट्रांसफर्ड भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफर्ड हो चुकी थी या ट्रांसफर हो रही थी, ट्रांसफर हो रही थी और हो चुकी, दोनों ही इसमें सही हैं। लेकिन इन ऑप्शंस में ये ऑप्शन नहीं दिया तो इसमें ओनली सेकेंड ही इसमें सही आंसर माना जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, बिकॉज आई हैड टू कैच द ट्रेन एंड सिंस वी वर शॉर्ट ऑन टाइम, चूंकि मुझे एक ट्रेन पकड़नी थी और मैं, मेरे पास टाइम की कमी थी, आई हैड फॉरगॉट। देखिए,
देखिए, हैड के साथ वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म जो वर्ब की होती है वो होती है फॉरगॉटन। फॉरगेट गलत है, तो इसमें हो जाएगा आई हैड फॉरगॉटन। एक्चुअली यहाँ पर हम कोई कोई काम का कंप्लीशन तो दिखा नहीं रहे हैं कि कोई काम हुआ और उससे पहले एक काम हो चुका था। यहाँ पर तो हम केवल ये दिखा रहे हैं कि मैं भूल गया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मुझे ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए मैं टूथब्रश को पैक करना भूल गया था। तो यहाँ पर चूंकि कंप्लीशन नहीं है, इसलिए इसमें ये ऑप्शन जो है ये सूटेबल रहेगा, इसमें हैड वाला ऑप्शन सूटेबल नहीं रहेगा, आई हैड फॉरगॉटन। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा ओनली थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, हैड को हम वहां पर प्रेफर करते हैं जहां पर किसी काम का हम कंप्लीशन दिखाते हैं, आई हैड फॉरगॉटन। ठीक है, तो यहां पर ओनली सेकेंड इज करेक्ट, आई फॉरगॉट टू पैक माई टूथब्रश फॉर आर वेकेशन। तो इस तरीके से इसमें आपका डी, इसमें आपका आंसर होगा। यहां देखते हैं, द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन ड्रिबिन बाय द एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज। इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रिबिन हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस चीज से ड्रिबिन हुई है, किस चीज की वजह से वो ग्रोथ हुई है? इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन ड्रिबिन बाय एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज का एक्सपेंशन हुआ है उसकी वजह से हुआ है। एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज दैट हैव बीन के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं हैव बीन के साथ। आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन वर्किंग। ठीक है, हैव बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली सही है, और चूंकि यहाँ पर देन लगा है तो यहाँ पर होना चाहिए फास्टर, ग्रोइंग कंसिस्टेंटली फास्टर देन अदर सेक्टर्स। ग्रोइंग कंसिस्टेंटली, ग्रोइंग एक ग्रोइंग वर्ब है, तो इसके बाद हम एडवर्ब लगाएंगे, ग्रोइंग कंसिस्टेंटली फास्टर देन अदर सेक्टर्स। तो सेकेंड इसमें सही है, बाकी इसमें गलत हैं। ग्रोइंग कंसिस्टेंटली फास्ट लिखा है इसमें, और यहाँ पर लिखा है ग्रोइंग कंसिस्टेंट, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें ओनली सेकेंड जो पार्ट है वो आपका सही है, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए, ये फिलर्स के क्वेश्चन है, सिंगल और डबल फिलर्स के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको लॉजिक को अप्लाई करना है। द इंडियन पॉलिटिकल क्लास इज ओवरवेलमिंग मेल। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है? ओवरवेलमिंग का मतलब है कि बड़ी क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, उसके लिए भी हम ओवरवेलमिंग को यूज़ करते हैं, और कोई स्ट्रांग इमोशन होता है उसको बताने के लिए भी हम ओवरवेलमिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द इंडियन पॉलिटिकल क्लास इज ओवरवेलमिंग मेल, बट द वरिंग थिंग इज दैट इट रिमेन्स ब्लाइंड टू इट्स प्रिविलेज। देखिए, यहाँ पर सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं कि इंडियन जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें जो मेजोरिटी है वो मेल लोगों की है। ठीक है, महिलाएं कम है, पुरुष उसमें ज़्यादा हैं। वट द वरिंग थिंग इज, लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात क्या है, मतलब यहां पर एक आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए। ठीक है, और इसमें लिखा है ब्लाइंड टू, तो ब्लाइंड टू तो सही है, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। नेगेटिव वर्ड क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर हम बोल रहे हैं वरिंग, ये एक चिंता का विषय है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? अमेजिंगली तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो पॉजिटिव वर्ड है। अनहैप्पीली नहीं आएगा इसमें, अनहैप्पीली अलग सेंस में यूज होता है। हार्डली नहीं बोल सकते। डिस्ट्रेसिंगली ब्लाइंड, डिस्ट्रेसिंगली सही हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि डिस्ट्रेसिंगली का मतलब होता है सोरोफुली, जो जो स्ट्रेस क्रिएट करता है। ठीक है, इट रिमेन्स डिस्ट्रेसिंगली ब्लाइंड टू इट्स प्रिविलेज एंड एंटाइटलमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स इन पॉलिसी एज वेल एज द वोफुली स्मॉल नंबर ऑफ वीमेन इन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि मेल की संख्या ज़्यादा है, फीमेल की संख्या कम है, और ये हमारे लिए एक सौरव का विषय है, एक दुख का विषय है। तो उसके लिए वो फुली सही वर्ड है, जॉयफुली तो आ नहीं सकता। अब यहाँ पर भी आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो जॉयफुली पॉजिटिव वर्ड है, इमोशनली पॉजिटिव वर्ड है। डिक्रीजिंग एज वेल एज द डिक्रीजिंग नहीं आ सकता, डिक्रीजिंग आ सकता है लेकिन अमेजिंगली नहीं जाएगा। तो ये दो एक्चुअली पूरे सेंटेंस में दोनों ही नेगेटिव वर्ड आपको चाहिए, और दोनों ही नेगेटिव जो वर्ड हैं वो केवल सी ऑप्शन में है। ठीक है, डिस्ट्रेसिंगली और वो फुली। ठीक है, तो आपको
ये देखना होता है कि यहाँ पर जो ब्लैंक है उसके बगल में यहाँ पर और उसके बगल में यहाँ पर किस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, सेंटेंस का टोन क्या है, पॉजिटिव वर्ड चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए, कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ जाएगा, ये थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया कैन नॉट हैव अ बैंकिंग सेक्टर विच इज, अब देखिए इसमें फिर से मैं वही आपको अप्रोच बताऊंगा। इंडिया कैन नॉट हैव ए बैंकिंग सेक्टर मतलब इंडिया में इस तरीके का बैंकिंग सेक्टर नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए, विच इज, अब यहां पर आप बताइए किस तरह का वर्ड चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड चाहिए, क्योंकि यहां पर हम बोल रहे हैं, यहां पर एक एक नेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया कैन नॉट हैव ए बैंकिंग सेक्टर विच इज, जो कि ऐसा हो, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर ऐसा नहीं हो सकता जो कि ऐसा हो, कैसा हो मतलब नेगेटिव वर्ड यहां पर आपको चाहिए, एंड ए सेट ऑफ बैंकर्स हु आर, यहां पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो जो एक नेगेटिव बैंकर्स की बैंकर की क्वालिटी, वो यहां पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो बैंकर की नेगेटिव क्वालिटी बताए। ठीक है, यहां पर भी आपको एक नेगेटिव वर्ड इसलिए चाहिए क्योंकि हम बोल रहे हैं इंडिया कैन नॉट हैव अ बैंकिंग सेक्टर, मतलब इंडिया में ऐसा बैंकिंग सेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर एक नेगेटिव वर्ड चाहिए और यहां पर हमें चाहिए कि ऐसे बैंकर्स हमें नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे बैंक में काम करने वाले लोग नहीं चाहिए जो जो नेगेटिव हो। तो एक्टिव तो पॉजिटिव वर्ड है, स्ट्रांग पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये दो तो एलिमिनेट कर दिए, ये दो तो आ ही नहीं सकते, अनस्टेडी आ सकता है। इंडिया कैन नॉट हैव अ बैंकिंग सेक्टर विच इज अनस्टेडी, जो अनस्टेडी का मतलब क्या है, जो स्ट्रांग नहीं है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए हम अनस्टेडी वर्ड यूज नहीं कर सकते, एक तो इसका रीजन ये है कि ये नहीं आएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे में देखिए हु आर डिसलाइक, डिसलाइक क्या है, डिसलाइक एक वर्ब है और वर्ब किसके बाद आएगी, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद थोड़ी आएगी, यहां पर हु आर के बाद आपको क्या चाहिए, हु आर के बाद आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, जैसे हु आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट, यहां पर आर के बाद आपको एडजेक्टिव चाहिए, और डिसलाइक क्या है, डिसलाइक वर्ब है तो इसलिए ये यहां पर नहीं आ सकती। अब देखिए हॉबल्ड एक एडजेक्टिव है और लोथ भी एक एडजेक्टिव है, इसके अलावा लोथ के बाद हम टू प्रपोजिशन को भी लगाते हैं, उस हिसाब से लोथ यहां पर सही है। हॉबल्ड, हॉबल्ड का मतलब ऐसे, हॉबल्ड मतलब ऐसे ऐसा कोई भी चीज जो जो डेवलपमेंट को रोकती है या डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है। इंडिया कैन नॉट हैव ए बैंकिंग सेक्टर विच इज हॉबल्ड, मतलब जो डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, ऐसा ऐसा बैंकिंग सेक्टर इंडिया में नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए। एंड अ सेट ऑफ बैंकर्स हु आर लोथ, हु आर लोथ मतलब हु आर अनविलिंग टू लैंड व्हेन द अपटर्न कम, मतलब ऐसे बैंकिंग सेक्टर में ऐसे बैंकिंग ऑफिसर नहीं चाहिए जो लैंड नहीं करना चाहते, जो कर्जा नहीं देना चाहते जब सूटेबल टाइम आता है तब। तो अनविलिंग के बाद भी हम टू लगाते हैं, ठीक है, और लोथ का मतलब होता है अनविलिंग, अनविलिंग के बाद भी हम टू लगाते हैं। तो मैंने कई पैरामीटर्स पर इसको चेक किया, ठीक है, एक पैरामीटर, कई सारे पैरामीटर्स पर आपको क्वेश्चन को चेक करना होता है तभी आप उसके आंसर के बारे में श्योर हो सकते हैं। अलग अलग पैरामीटर क्या हैं, आपको उसकी ग्रामर देखनी है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर एडजेक्टिव आया, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हु आर के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव ही आ सकता है, यहाँ पर वर्ब नहीं आ सकती क्योंकि वर्ब तो हु के बाद आएगी, लेकिन यहाँ पर हु आर लगा है तो यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए आपको। अब डिसलाइक वर्ब है इसलिए नहीं आ सकती, लोथ एडजेक्टिव है, ठीक है, और लोथ क्या है, एक नेगेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपको एक नेगेटिव एडजेक्टिव चाहिए, विलिंग और चीयरफुल पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं आ सकते, डिसलाइक वर्ब है, लोथ एडजेक्टिव भी और नेगेटिव भी है। तो देखिए कितने सारे पैरामीटर्स पर मैंने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से आप श्योर हो सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आता और इंग्लिश में अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और आप शर्त लगा सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इस तरह से अप्रोच आप अपनाएंगे आप तो 100% क्यों नहीं, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आपका बन सकता है बैंकिंग एग्जाम्स में। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं सेम अप्रोच आपको बताऊंगा, इफ़ द एयरलाइंस फेल टू इन्फॉर्म देयर पैसेंजर्स ऑफ द, देखिए एयरलाइन जो है वो किस चीज के बारे में पैसेंजर को इन्फॉर्म करेंगी, नॉर्मली एयरलाइन पैसेंजर को तब इन्फॉर्म करती हैं जब फ्लाइट कैंसिल हो जाती है,
फ्लाइट कंफर्म हो जाएगी तो उसके बारे में थोड़ी कोई इन्फॉर्म करेगा एयरलाइन, क्योंकि फ्लाइट तो ऑलरेडी ऑलरेडी कंफर्म हो ही जाती है, वो तो नेट पर पता पड़ जाता है या पता पड़ जाता है कि ये फ्लाइट कंफर्म है। लेकिन इन एनी केस जब फ्लाइट कैंसिल होती है तब एयरलाइन जो है वो पैसेंजर को इन्फॉर्म करती है उस कैंसिलेशन के बारे में। चूँकि यहाँ पर दा लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर कैंसिल का नाउन फॉर्म आपको चाहिए, और कैंसिल का नाउन फॉर्म है कैंसिलेशन। अब देखिए यहाँ पर ए लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी आपको नाउन चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली बोल कह रहे हैं, आप देखते हैं यहाँ पर बोल कह रहे हैं, इफ़ द एयरलाइंस फेल टू इन्फॉर्म दियर पैसेंजर्स ऑफ द कैंसिलेशन देन सच पैसेंजर्स विल बी इंटाइटल्ड फॉर अ। इंटाइटल्ड का मतलब क्या है? इंटाइटल्ड का मतलब है अधिकारी होना, ठीक है। यदि आप किसी चीज़ के इंटाइटल्ड हैं तो वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, यदि आप किसी चीज़ के इंटाइटल्ड हैं तो वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। तो यदि आपने एक फ़्लाइट बुक कराई और वो फ़्लाइट हो गई कैंसिल, तो आपको क्या चीज़ मिलना चाहिए? आपको हर्जाना मिलना चाहिए, आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ए जो है ये ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अब रिजेक्शन, देखिए रिजेक्शन वर्ड है यहाँ पर, कैंसिल वर्ड है, ये सारे वर्ड गलत हैं, आप लगा के देखेंगे तो ये सारे वर्ड्स गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गोइंग फॉर ए रन मे सीम ओवरवेलमिंग, और देखिए यदि आप दौड़ने जाते हैं तो वो कैसा हो सकता है आपके लिए? यदि आप दौड़ने जाते हैं तो ये डिस्गस्टिंग तो हो नहीं सकता। डिस्गस्टिंग का मतलब है जिससे आपको नफरत हो, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो। तो दौड़ना तो एक एक्सरसाइज है, ये तो एक अच्छी चीज़ है, तो ये डिस्गस्टिंग नहीं हो सकता, ठीक है। और दौड़ना ल्यूक्रेटिव भी नहीं हो सकता। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है कि जो प्रॉफिटेबल है, जो मनी वाइज प्रॉफिटेबल, जो मॉनिटरी टर्म में प्रॉफिटेबल है। तो दौड़ने से आपको कोई कमाई तो होगी नहीं, तो इसलिए ल्यूक्रेटिव वर्ड यहाँ पर नहीं आ सकता, डिस्गस्टिंग वर्ड भी नहीं आ सकता। ये देखिए दो एलिमिनेट कर दिए यहाँ पर। अब इन दोनों में से एक आएगा। तो गोइंग फॉर ए रन एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है, टायरिंग भी हो सकता है। यदि आप दौड़ने जाते हैं तो एग्जॉस्टिंग मतलब थकाने वाला, टायरिंग मतलब थकाने वाला, तो ये थकाने वाला हो सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन फर्स्ट में आ सकते हैं, लेकिन सेकेंड में क्या आएगा? अब सेकेंड में आप इस प्रपोजिशन से पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड आएगा। देखिए मस्टर के साथ अप वर्ड जाता है, मस्टर अप। मस्टर अप का मतलब होता है करेज, हिम्मत, इन चीज़ों को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना या असेंबल करना, इसको हम बोलते हैं मस्टर अप, ठीक है। गैदर अप हम नहीं बोल सकते क्योंकि गैदर का मतलब तो पहले से ही कलेक्ट करना होता है। गैदर के साथ अप वर्ड नहीं जाता, मस्टर के साथ अप जाता है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, ठीक है। और अब आप इसमें श्योर हो सकते हैं कि यही आंसर होगा। ऐसा आप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आप प्रूव कर सकते हैं कि ये आंसर्स नहीं हो सकते। मैंने प्रूव करके बताया आपको कि डिस्गस्टिंग नहीं आ सकता, ल्यूक्रेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। गैदर के साथ आप नहीं जुड़ सकता, सरपास के साथ आप नहीं जुड़ सकता, कंपाइल के साथ आप नहीं जुड़ सकता। तो इस तरीके से एलिमिनेट करना है और कई सारे पैरामीटर्स पर आपको उसको मेजर करना है उस क्वेश्चन को, तब आप श्योर हो पाएंगे इंग्लिश सेक्शन में। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइजिंग एंड गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन विल हेल्प बट दीज एक्शंस ओनली इम्प्रूव स्लीप इंटेंसिटी। देखिए प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। तो एक्सरसाइजिंग कैसी होनी चाहिए? वो रेगुलरली होनी चाहिए, ठीक है। तो रेगुलरली वर्ड आ सकता है यहाँ पर, इरेगुलरली नहीं आएगा क्योंकि इरेगुलरली तो नेगेटिव वर्ड है। तो एक्सरसाइजिंग देखिए डे ऑन डेली बेसिस पर जब आप किसी एक्टिविटी को करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो 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 फ्रिक्वेंटली अकर होती है, जो फ्रिक्वेंटली अकरिंग एक्टिविटी है, उसके लिए आप कंसिस्टेंटली वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, डे बाई डे, रेगुलरली। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है कि टाइम के हिसाब से जैसे हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि 100 की स्पीड पे कोई चीज़ चल रही है तो वो 100 पे ही चलती रहेगी। कांस्टेंट इस सेंस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी एक्टिविटी को हम रेगुलरली यदि यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कांस्टेंटली वर्ड इनअप्रोप्रिएट रहेगा, वहाँ पर कंसिस्टेंटली सही रहेगा।
क्योंकि कंसिस्टेंट, जैसे हम बोलते हैं कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको एक्सरसाइज के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, यू हैव टू डू इट रेगुलरली, यू हैव टू डू इट ऑन ए डेली बेसिस. तो कंसिस्टेंसी इज द राइट वर्ड हेयर. ठीक है, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंट फ्लो, जैसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट फ्लो, एक ही फ्लो में कोई चीज बह रही है, या कॉन्स्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड में कोई चीज चल रही है. तो टाइम या स्पेस के हिसाब से कोई चीज कॉन्स्टेंट होती है. कंसिस्टेंटली का मतलब होता है रेगुलरली. बट दीज एक्शंस ओनली इनडायरेक्टली इंप्रूव स्लीप इंटेंसिटी. ये चीज है, आपकी हेल्थ को तो सही रखती ही है, लेकिन स्लीप इंटेंसिटी भी इससे बढ़ती है. और ये काम होता है इनडायरेक्टली, क्योंकि क्योंकि एक्सरसाइज से कुछ हार्मोन्स डेवलप होते हैं जिससे स्लीप इंटेंसिटी बढ़ती है. तो यहाँ पर एक्सरसाइज डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता स्लीप इंटेंसिटी को, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि वो हार्मोन्स को डेवलप करता है. तो इनडायरेक्टली कहना यहाँ पर सही होगा. तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है आपका डी. ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट वन था, और आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इससे आपको हेल्प मिलेगी IBPS क्लर्क एग्ज़ाम को क्रैक करने में और हाई स्कोर को अचीव करने में. तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट मैं इंग्लिश में और हिंदी लैंग्वेज में अपलोड करता रहूँगा इस चैनल पर. यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें. कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कैसे लगे क्वेश्चंस, क्या इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं, ये सारी चीज़ें आप बताइए. और यदि आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बैंक PO के लिए और बैंक क्लर्क के लिए, तो इस वेबसाइट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो इन ईमेल आईडी के थ्रू, इन कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.